हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम शरदेन्द्र कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो देखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर इन जावा प्रोग्रामिंग। एक्सेस मॉडिफायर, इसी को एक्सेस स्पेसिफायर भी बोला जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में यूज़ करना होता है और क्या इनके एडवांटेजेज है यूज़ करने से, और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर पहले हमने पैकेज पढ़ा था। पैकेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया था और एग्जांपल भी कुछ हमने किया था। तो पैकेज क्या होता है? पैकेज एक फोल्डर होता है, जस्ट लाइक फोल्डर। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। फिर सब पैकेजेस इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब सब पैकेजेस। मीन्स ऐसे फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर्स या सब सब फोल्डर्स कहीं क्रिएट करते जाएंगे और उनके अंदर क्लासेस इंटरफेसेस को हम रखते जाएंगे। दैट इज पैकेज इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी। फिर हमने पढ़ा था कि पैकेज को बनाने के क्या रूल्स होते हैं, पैकेज को बनाने के क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। आज हम उसी के आगे करेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। टोटली एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें हम, पहली बात तो एक्सेस मॉडिफायर क्लासेस, इंटरफेसेस एंड मेथड्स। मेथड्स मीन्स डेटा मेंबर्स, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स। इनको हमें मतलब कहाँ पर एक्सेस करना है, कहाँ पर नहीं एक्सेस करना है, ये कौन अलाउ करता है, एक्सेस मॉडिफायर का काम होता है। एक्सेस मॉडिफायर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल फोर होते हैं। फर्स्ट जो होता है एक्सेस मॉडिफायर, वो होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर कह सकते हैं या मॉडिफायर कहें। सेकेंड होता है, सेकेंड क्या होता है, प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। फिर थर्ड होता है क्या, थर्ड होता है क्या, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। फिर लास्ट वन होता है क्या, फोर्थ हमने कहा पब्लिक। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर कहें, एक्सेस मॉडिफायर। डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट और पब्लिक, क्लियर। एक्सेस मॉड स्पेसिफायर समझ में आया आपको क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर आर अलाउज मतलब क्लासेस एंड इंटरफेसेस मेथड्स एंड कैसे हमें कहाँ एक्सेस करना है, कहाँ एक्सेस नहीं करना है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्लासेस, डेटा मेंबर्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर की एक्सेसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस स्पेसिलिटी मीन्स कहाँ पर क्लास को एक्सेस करना है, किस क्लास को एक्सेस करना है, इसी तरह से डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को। ये हमने नोट्स आपको भेज दी है और इसके एक डायग्राम भी है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, चार मॉडिफायर होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अब पहली बात तो ये चारों क्या हैं, कीवर्ड हैं। डिफ़ॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स बिकॉज दीज आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की एक स्पेशल मीनिंग होता है और कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारा चीज़ डिसाइड होता है। तो जैसे हमने क्लास बनाया, क्लास, अब हमने इसके पहले इनहेरिटेंस में थोड़ा जाना पड़ेगा कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को हम दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं। उसी तरह से एक्सेस मॉडिफायर में भी, अगर हम क्लास के पहले, सपोज दैट हमने बनाया क्लास ए बनाया, अब इसके पहले हमने कोई मॉडिफायर इसमें यूज़ नहीं किया है, या कि कहें दूसरा कहें, या कि कहें हम
जैसे इंट एक्स लिखा, ये भी एक मेडाफायर है। सेकंड अगर हम तीनों चीज़ बता देते हैं, वॉइड ए बी सी हमने ले लिया एक मेथड, क्लियर, तीनों चीज़ लिया, इसमें कोई मॉडिफायर हमने नहीं लिया है एक्सेस मॉडिफायर, तो डिफ़ॉल्ट हमेशा होता है। और सी प्लस प्लस में ये तीन मॉडिफायर होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, लेकिन जावा में चार होते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम किए हैं एक्सेस मॉडिफायर का यूज हमने बहुत कम किया है, जैसे मेन मेथड में हमेशा यूज होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक इज अ एक्सेस स्पेसिफायर आर मॉडिफायर, क्लियर। उसी तरह से अगर हम क्लास के पहले पब्लिक लगाएंगे तो ये पब्लिक क्लास हो गई, इस क्लास को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक कैन बी एक्सेसिबल एनी वेयर। इसी तरह से हमने इसमें भी पब्लिक लगा दिया, पब्लिक भी है ये डेटा टाइप, लेकिन यहाँ पे हमने प्राइवेट लगा दिया, क्लियर, प्राइवेट, तो ये प्राइवेट में मेथड है, मींस इसको हम सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में हम डिफाइन करेंगे, क्लियर, समझ में आ रही बात। और अगर हमने इसके पहले ये हटा दिया तो ये कौन सा हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब कहाँ डिफ़ॉल्ट एक्सेस होता है, कहाँ प्राइवेट, कहाँ प्रोटेक्टेड, कहाँ पब्लिक, इतनी बातें समझ में आई। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, चार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों, एक कौन कौन से होते हैं, क्या यूजेज हैं, ये हमने बताया आपको। और अब हमें करना है, देखना है, एक टेबल हम देखेंगे कहाँ पे हमें इसको कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर को, क्लियर। अगर हमने इसके पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट जे बी एम ऐड करेगा इसके अंदर, क्या डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अब ऑटोमेटिकली ये ऐड डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, तो ये डिफ़ॉल्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पब्लिक प्राइवेट, इस तरह से मॉडिफायर्स का यूज़ किया जाता है, मींस एक्सेस मॉडिफायर, डेटा टाइप एंड डेटा मेंबर्स नेम। उसी तरह से इसमें भी है क्लास, मतलब एक्सेस मॉडिफायर, फिर क्लास नेम, उसी तरह एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, क्लियर, इस तरह से इसका प्रोफार्मा होता है, सेंटेक्स कहें तो होता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपन, एक डायग्राम हमने आपको भेजा है, डायग्राम इसमें हमने पीडीएफ में जनरेट किया है, देखिएगा ये चार मॉडिफायर प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये चार मॉडिफायर आपको दिख रहे हैं जो कि एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जावा में, एक्सेस स्पेसिफायर। सेम पैकेज का मतलब है सेम पैकेज का मतलब है जैसे हमने यहाँ पर हम जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, ये सी ड्राइव हो गई, सपोज दैट कंप्यूटर की सी ड्राइव हो गई। अब सी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया ए बी सी बनाया, अब इसी के अंदर एक और फोल्डर बनाया एक्स बाई जेड, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया क्लासेस, ये मेन ड्राइव हो गई, ये फोल्डर पैकेज, सब पैकेज, सब सब पैकेज, क्लियर। तो ये सेम फोल्डर के अंदर अगर हमारे दो तीन ये प्रोग्राम हैं, मीन्स हमने ये प्रोग्राम बनाए और इसके अंदर रखे, सपोज दैट ये अपना नाम यहाँ पे आप दे दीजिए, इसके अंदर आपने दिखा, तो अगर आप डिफ़ॉल्ट इसी में यूज होगा, सेम पैकेज अदर पैकेज, ये अदर पैकेजेज हुए, सेम पैकेज अदर पैकेजेस, क्लियर, समझ में आई ये मीनिंग, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, सेम पैकेज डिराइव क्लास, आपको कंस्ट्रक्टर बेस्ड क्लास, डिराइव क्लास, सेम पैकेज अदर पैकेज, इंडिपेंडेंट क्लास, अदर पैकेज, क्लियर।
तो पब्लिक को आप देखेंगे कि पब्लिक को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स सही हर जगह राइट चिन्ह लगा हुआ है, मीन्स पब्लिक को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने क्लास को, डेटा मेंबर्स को, या मेथड्स को, या कंस्ट्रक्टर को पब्लिकली डिफाइन किया है, जस्ट लाइक दिस ये पब्लिक हमने लिया है, तो इसको हम पब्लिक लिया है तो इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, क्लास के आउटसाइड पैकेज, एनीवेयर। वही हमने बताया कि पब्लिक कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर, कहीं भी एक्सेस हम कर सकते हैं, इसीलिए सब जगह राइट के चिन्ह लगे हुए हैं। मीन्स प्रोटेक्टेड मीन्स सेम पैकेज डिराइव्ड क्लास, सेम पैकेज इंडिपेंडेंट, अदर पैकेज डिराइव्ड क्लास, अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास। क्लियर? प्रोटेक्टेड का मतलब आया आप अदर पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास में एक्सेस इसको नहीं कर सकते हैं और बाकी जगह एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट ओनली एक्सेसिबल द सेम क्लास सेम पैकेज। क्लियर? सेम पैकेज मीन्स सेम एक पैकेज के अंदर, बेस क्लास मीन्स एक क्लास होगी, उसी के अंदर हम प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए एक है और बाकी क्या है, गलत है, नहीं बाकी जगह एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट को सेम पैकेज के अंदर बेस क्लास में भी, डिराइव्ड क्लास में भी और इंडिपेंडेंट क्लास में भी, मीन्स डिफ़ॉल्ट जो होगा सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगा। एक पैकेज, ये पैकेज हमने आपको बताया, जैसे ABC के अंदर हमने बताया है कोई भी डेटा मेंबर्स एक्सेस मॉडिफायर नहीं डिज़ाइन किया है, लगाया है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा और इसको हम इस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस इंटरफेसेस होंगी उनके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये दो अलग अलग पैकेज हो गए। ठीक है, उसी तरह से प्राइवेट सेम पैकेज बट बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट। और फिर नेक्स्ट अपन आते हैं, ये प्रोटेक्टेड मीन्स सेम पैकेज अदर पैकेज में, डिराइव्ड सेम पैकेज में मीन्स बेस क्लास डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, वो अदर पैकेज में, अदर इंडिपेंडेंट क्लास मीन्स उसका कोई रिलेशन ना हो, इंडिपेंडेंट का मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं है, दूसरा प्रोग्राम है। क्लियर? ये था इसका मतलब, ये हमने भेजा, आप देखिएगा समझिएगा, एग्जाम्पल भी भेजे हैं और नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, थैंक यू, कोई भी डाउट होगा आप पूछिए और कमेंट करिए, वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, क्लियर करिए, अगर वीडियो में समझ में नहीं आ रहा कोई भी स्टेटमेंट्स तो कमेंट्स के माध्यम से या कि फिर आप डाउट सेक्शन के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।